हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको होम थिएटर के बोर्ड में साउंड प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं और इसी के लिए मैं दोस्तों इस पर बार बार वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि एक जो लेफ्ट राइट चैनल होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 IC लगे हुए हैं, तो एक तो हमारा बेस का होता है जो कि सब वूफर को कंट्रोल करता है, बाकी दो हमारा लेफ्ट राइट होता है। तो एक चैनल में जो हमारा साउंड होता है बिल्कुल लो आता है, हालांकि वो थोड़ा बंद नहीं है, लो आता है, क्लियर आता है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और दूसरे चैनल में हमारा ठीक आता है। तो यहाँ पर जो दो चैनल है, ये लेफ्ट और राइट का, तो मैं आपको चेक करके पे इसका प्रॉब्लम पहले दिखा देता हूँ। और ये जो दोस्तों प्रॉब्लम है, बहुत सारे इस पे कमेंट आता है कि मेरे होम थिएटर में क्लियर साउंड नहीं आता है। एक चैनल से हमारा आवाज़ सही आ रहा है, दूसरे चैनल से आवाज़ भी सही आता है, लेकिन बहुत कम आता है। तो मैं आपको प्रॉब्लम पहले चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम किस तरीका का है। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से आपको दोनों चैनल पर चेक करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हम इसको ऑडियो इनपुट देते हैं, देख सकते हैं किस तरीका से इसका साउंड है, बिल्कुल फटा फटा हुआ साउंड है, थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन इसमें साउंड जो है बिल्कुल खराब है, देख सकते हो। और वही दूसरे चैनल पे हमारा दोस्तों बहुत अच्छा साउंड है, और ये इस वाले चैनल पे हमारा तो दोस्तों ये होम थिएटर में यही प्रॉब्लम है कि एक चैनल से हमारा साउंड आता है, दूसरे चैनल से हमारा साउंड आता है, लेकिन क्लियर साउंड नहीं आता है और लो साउंड में आता है। तो इसको किस तरीका से रिपेयर करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो पहले आपको IC चेक करना है कि यहाँ पे जो है इसके नीचे लगे जो IC है वो कौन सा है, उसके बाद हम उसको सिंपली क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा रेजिस्टेंस है, एक तरह से इसको स्पीकर के आउटपुट में यूज करते हैं, वो हमारा थोड़ा काला हो गया है, और ये काला उसी कंडीशन में हो सकता है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जो ये IC खराब हुआ था, तो यहाँ पे इसको लोड ज़्यादा पड़ा होगा इस IC पे, तो वो वाला हमारा जिसमें आउटपुट होता है, यहाँ पे इसका स्पीकर सॉकेट है, तो यहाँ पे जो वाला IC था वो उसका हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो लगभग काला पड़ गया है। तो चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हो या इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले IC को चेंज कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि काला होकर रह जाता है, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है, तो हम उसको चेक कर लेंगे बाद में। पहले हम आईसी को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे IC को निकाल लिया है, और उसके बाद जब हम नया IC लगाएंगे उसमें, तो दोस्तों इसमें आप हीट सिंक पेस्ट ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका IC का जो उड़ने का चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो नया IC जब हम लगाएंगे इसमें तो हीट सिंक पेस्ट लगा देंगे इस पर, और अच्छे तरीक़ा से हम फैला देंगे जहाँ तक इसका ये जो पीछे का पार्ट है उसमें इस तरीक़ा से लगा देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से लगा देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने पिन को सोल्ड कर लिया है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से साफ कर देंगे ताकि कोई भी हमारा पिन शॉर्ट ना हो, देख सकते हैं इस तरीके से साफ कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे न्यू IC को लगा लिया है, अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो फटाफट हम स्पीकर का वायर जोड़ लेते हैं और इसका सारा कनेक्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो पहले हमारा जो प्रॉब्लम था ये राइट वाले चैनल पे, वो हमारा लो साउंड आ रहा था, लेकिन अब इसमें तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जब इसको आईसी को चेंज किया तब ये होम थिएटर बोर्ड दोनों में साउंड आने लगा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी अगर बोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप इस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।